सिंगल नोडल अकाउंट, इसमें बिल बनाने के बाद में वो बिल पास हुआ है या नहीं, तो इसका कैसे पता करेंगे? इसका पता करने के लिए आपको यहाँ इस स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ ऑथराइजेशन ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको यहाँ व्यू बिल स्टेटस इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ जिस मंथ में आपने वो बिल बनाया है उस मंथ को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ ईयर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में बिल टाइप सिलेक्ट करेंगे, वेंडर पेमेंट, और आपके सामने ये जो सारी सूचनाएं आ जाएगी इसमें, ये आपके जितने भी बिल हैं जो आपने बनाए हुए हैं, ये बिल नंबर, प्रोसेस, SNA फॉरवर्ड और TV नंबर असाइन। तो इसमें जब तक पेमेंट बैंक में नहीं होता है तब तक ये चारों टिक जो है वो नहीं लगते हैं। जैसे कि अगर आपने सारी प्रोसेस अपनी तरफ से कर दी है तो वो SNA फॉरवर्ड तक हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये चौथा जो टिक है ये तभी मिलेगा जब इसके पेमेंट में हम जो पेमेंट डालना चाहते हैं, जिसके अकाउंट में पेमेंट डालना चाहते हैं, अगर उसके अकाउंट में पेमेंट डल गया है उसी के बाद में ये जो टिक है वो आएगा। और जैसे ही आप डिटेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल के ऊपर आते ही आपको TV नंबर और डेट जो है मिल जाएगा, यानी वाउचर नंबर और डेट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी भी बेनिफिशियरी को जब हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में उसके जो PFMS द्वारा जो इसकी वेरीफाई होती है, इसको यदि आपको जानना है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे और एजेंसी रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद में आप यहाँ रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे वेंडर डिटेल पर क्लिक करना है और आप PDF रिपोर्ट एक्सेल शीट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे PDF रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी जितने भी आपने वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड किए हैं उनकी सारी डिटेल आ जाएगी और PFMS के द्वारा वो वेरीफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किसी बिल में कंपोनेंट ऐड हुआ है या नहीं है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप यहाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, वेंडर बिल पर क्लिक करेंगे, वेंडर बिल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ईयर सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना है और बिल नेम, जिस भी बिल में आपका जो है आपको ये जानकारी चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद में आप यहाँ से बिल सिलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ इनर रिपोर्ट इस पर क्लिक करें और शो रिपोर्ट पर क्लिक करें। तो जैसे आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बिल डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने कंपोनेंट ऐड किया है या नहीं है और कौन सा कंपोनेंट आपने ऐड किया है वो आप इसमें से देख सकते हैं। यदि कोई भी बिल आपने बनाया है और गलत बन गया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे बिल प्रोसेसिंग, इसमें फिर बिल एलोकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ बिल मॉडिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो बिल है वो आपको नजर आएंगे, आप यहाँ से डिलीट पे इसको क्लिक कर सकते हैं या इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी या वेंडर के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन में आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करना है तो उस बेनिफिशियरी के बारे में आपको पूरी डिटेल चल जाएगी। यदि आपने बिल बना लिया है, बिल को फॉरवर्ड कर दिया है लेकिन फिर भी जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बिल फॉरवर्ड करने के बाद में आपको यहाँ पे डिजिटल में जाना है और उसके बाद में SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन करना है। तो SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन करने के बाद ही जो है ये पेमेंट प्रोसेस होगी, इसलिए आप SNA सॉफ्ट कॉपी